हेलो दोस्तों, आज हम लोगों ने सोचा कि जुबैल से दमाम इंडस्ट्रियल एरिया जाएंगे, वहाँ दोस्त के या फिर उसके बाद कज़न के यहाँ खबर जाएंगे। वही मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दें। सिर्फ जॉब नहीं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, माइंड भी फ्रेश होना चाहिए, वीकेंड को निकलना चाहिए, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दें। ट्रेन जा रहा जी, बड़ी दिन के बाद ट्रेन देखा, बड़ी दिन का लगा, पहली बार देखा सऊदी का ट्रेन। ये देखिए, ये निस्मा का यहाँ कैंप है। ये आप लोग कितना दूर है दमाम से? तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। बताइए कैसे, कितना मतलब रिमोट एरिया में, पीसफुल एरिया। हमारे एक चीज है कि एकदम शांति है कि नहीं? ये जितने वर्कर लोग रहते होंगे, आप लोग तो वहाँ जुबैल में रहते हैं, फिर भी बेहतर है। यहाँ पे जो है ये लोग कैंप में ही, कैंप में भी पाबंदी हुआ कि 8 बजे के बाद इंटर नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल जी। ये क्या है? सऊदी रेडी मिक्स। पार्टनर सेंट्रल्स वेयर हाउस, आई थिंक वेयर हाउस। बंद कर लीजिए, बंद कीजिए, यहीं से कॉल करते हैं। ये कैंप है ना? हाँ जी। देखिए निस्मा का अच्छा बड़ा, ये देखिए निस्मा का ये सबसे बड़ा कैंप है यहाँ पे। ये आपको दमाम से 30-40 किलोमीटर लगभग दूर है। अब यहाँ आए हुए हैं लोगों से, हमारा एक हैं जानने वाले, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी गाड़ी, बड़ी कंपनी है। ये देखिए सारी बस लगी हुई है इनका, इनका बहुत बड़ा कैंप है ये निस्मा का। इनका स्टोर भी है, पीएमटी है भी है, क्या क्या है, मेंटेनेंस का भी है, स्टोर है, वेयर हाउस है। देखिए रिमोट, यहाँ से आपको अगर मेडिकल जाना हो तो कितना प्रॉब्लम होगा। अब जिस दिन कंपनी अगर नहीं दे रही है गाड़ी, बोले कि ना भाई अभी ड्राइवर नहीं है, तो वर्कर्स लोग को बहुत दिक्कत होगा। जिनके पास अपना है सेल्फ, तो कोई मुश्किल नहीं है। फैसिलिटी बाकी सारी फैसिलिटी तो होगी, ऐसी बात नहीं। जैसे कि आपका बार्बर हाउस, आपका जो छोटा मोटा जो शॉप है वो भी होगा, वो सारा चीज है यहाँ। ये देखिए ये सारा कोई लगता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ये भी है। ये रोड जो है ना, आप केक चला जाएगा यहाँ से। किलोमीटर का वो जो कैंप था वाकई। देखिए दम्माम है। अब यहाँ से आपको ये क्या दिखा रहा है बोर्ड पे, रियाद एयरपोर्ट, कुवैत, बहरैन, अब के अल हसा। ये अरामको का ये बिल्डिंग है, देख रहे ना पत्थर वाली राइट साइड में। पर्पस है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। आज फ्राइडे है। जानते हैं शाहनवाज भाई, ये जो आप लैंड देख रहे हैं ना, ये मार्किंग, ये जो रोड पे जो ये मार्किंग है, जैसे राइट साइड है, अगर कम स्पीड जाना है, 80 के स्पीड में जाना है तो राइट लेन में रहें। अगर सेंटर में जाना है तो सेंटर में आप 100 के लेन में रह सकते हैं। अगर लेफ्ट जाना है तो 120 से लेके 140 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप उस लेन में जाना है। जब भी आप ये जो देख रहे हैं कि जो वाइट मार्किंग है, ये जो रेक्टेंगल टाइप का ये मार्किंग है, इस बीच बीच में
डिस्टेंस है, इसका मीनिंग होता है कि आप लेफ्ट राइट ले सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली रहेगा अगर ज्वाइंट, इसका मतलब है कि आपको लाइन बदलना नहीं है। और ये जो इस हिसाब से मतलब थोड़ा गैप पे है, इसका मतलब है कि आप इंडिकेटर लगा के आप लेफ्ट राइट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे अभी जिस तरह का रूल है ना कि अगर बिना इंडिकेटर के आप ही करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो 100% आपको गिल्टी कहा जाएगा और आप पर फाइन लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी लेफ्ट राइट हो इंडिकेटर लेके आप ही लेफ्ट राइट हो, क्योंकि जो पीछे वाला है उसको पता चले। और जो डिस्टेंस जिस हिसाब से हमने बताया, जैसे आगे वाली गाड़ी है तकरीबन इतना डिस्टेंस रखना है कि अगर हम वो ब्रेक मारता है तो जो मेरा 3 से लेकर 6 सेकंड के स्पीड में उतना डिस्टेंस होनी चाहिए कि हम उतना कंट्रोल कर सकते हैं। और ये स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अब जिस तरह से शाम का वक्त में ज़्यादा रश रहेगा इस रूट पे, बहुत ज़्यादा रश रहेगा शाम के वक्त में स्पेशली, क्योंकि ड्यूटी टाइम ऑफ होता है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये है कि अगर आपको रोड का जानकारी अगर नहीं है, तो रोड का अगर जानकारी नहीं है तो बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि सडनली आपका कहीं पे आपका टर्निंग है जहाँ से आपको 2-3 इंटरसेक्शन है जहाँ से रास्ता आपको डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे अगर आप 100 मीटर पे आप अलर्ट नहीं होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, तो आपको लाइन चेंज करने में, क्योंकि जो पीछे गाड़ी आ रही है वो बहुत ही स्पीड से आ रही है, फिर आपको दिक्कत हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। ठीक है, ओके। ये देहरान है, ये साको एक बहुत बड़ा ये वक्त ये है शॉप है जहाँ पे जितना भी मैकेनिकल का जो सामान है ना वो यहाँ मिलता है आपको, जैसे कि आप जितना भी पावर इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन जितना भी टूल्स है ना ये साको में मिलेगा, SACO साको देहरान है ये। मॉल है ये राशिद मॉल, आपको समझिए कि सऊदी के सबसे बड़ा मॉल है ये जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है। ये 3rd फ्लोर तक का, तो देखिए ये डिवाइडर है, अभी पता ही नहीं चले कि आपको राइट टर्न लेना है और सडनली आप चढ़ा दीजिएगा उस पर, बड़ा मतलब डेंजर होता है। अब हम लोगों को स्टॉप होना है यहीं से, जो मेरे कज़न रहते हैं ना वो यहीं लेफ्ट में है। बैरियर हर जगह आपको, ये ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में क्या क्रैश बैरियर का हाइट कम होता है, मगर इसका जो हाइट है 19 से लेके 110 से अच्छे, जहाँ पर भी इस तरह का रोड है वहाँ पे आपको फुटपाथ पे ही मिल जाएगा, कम से कम फुटपाथ जो होगा आपका 3-4 फीट का फुटपाथ हर जगह मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से आपको एग्जिट ले लेना है, एकदम आप चला जाएगा। अभी आप 200-300 मीटर है, आदमी का एंटरटेनमेंट हो गया आज है ना, आज फ्राइडे था तब जाके हम इतना दूर चले आने तो नहीं आते। अब यहाँ से हम लोग राइट लेंगे, जहाँ पहुँचना था पहुँच गए, चले ओके थैंक यू। चम्मच भी ले लीजिए चावल के लिए, सलाद चावल के लिए। फिश बिरयानी बना है अभी, जहाँ आज फ्राइडे है तो आज इस हम लोग सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। ये भी है सब, ये हमारे भाई हैं, इन्हीं का बर्थडे है आज, छोड़ दीजिए अब रात में वैसे भी। सलाम वालेकुम, ये हमारे अहमद भाई हैं, ये लोग हैं। सलाम वालेकुम, ये हमारे सरफराज भाई हैं। बस अब शुरू होने वाला है, रेडी हो गया है। हैप्पी बर्थडे, रियली बड़ा मतलब फंटास्टिक है, देखिए हैं देखने में लग रहा है। फिश है इसमें क्या है, ये पुलाव क्या चाहिए आपको?